हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विनीश राव और हमारे साथ मौजूद है खूबसूरत अब्दुल बासित खान जी। अब्दुल बासित खान, बहुत बहुत शुक्रिया विनीश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित खान और विनीश आज माशाल्लाह मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है और जो तारीफ इन्होंने की तो मजीद अच्छी लगने लग गई मुझे हमेशा की तरह। बस हजम नहीं हो रही झूठ बोल। आज हम क्या देखने वाले हैं? बीबी की माइंस डेटिंग होती आपा MP4। एक बात बोलो साक्षी। नहीं बोलो। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के सामने दुनिया की सारी नजरें फेल है। तुम्हारी मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे दुख घुटने टेक देते हैं। जिस तरह आसमान के अंधेरे में चांद रोशनी फैलाता है, उसी तरह तुम मेरी जिंदगी में चांद बनकर आई हो। ना जाने कितने लोग तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करते होंगे, लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं यहाँ पे। ये तुम्हारी हिरनी जैसी आंखें और पंखुड़ी जैसे होठ, ये जैसे मानो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक और तुम मेरी माचुदा हो। माचुका तेरे से एक सिंपल सी लाइन याद है और एक घंटे से रिहर्सल कर रहा है। नर्वस हो रहा हूं, वैसे पहली बार उसके साथ डेट पे था। सुप्रीम कोर्ट की डेट 39 है, इतना नर्वस हो रहा है पता नहीं। कुछ नहीं होगा, बस उसको हंसाता रहिए। लड़कियों को मजाकिया लड़के पसंद होते हैं। गुदगुदी करूं, चांटे मारेगी वो सबके सामने। सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसाने की बात कर रहा हूं। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो सही है। पता है मुझे उस दिन मानसी इसको कहती मेरे पापा मुझे प्यार से चिड़िया बुलाते हैं, तो कहता तुम्हारा सही है किसी पे भी हक देती होगी। मैं जो जोक मारा था वो बहुत हंसी थी, ब्लॉक कर दिया अगले दिन, बट जोक फनी था। पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जो कहां लेके जाऊं उसको। कॉफी पिलाने ले जा। अगर जेब में पैसे हो और उनमें आग लगानी हो ना, तो या तो दिवाली पे पटाखे खरीद लो या डेट पे कॉफी पीने चले जाओ। है जो कॉफी के नाम पे फुद्दू बनाते हैं, जावा चिप। ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन कॉफी पिला रहा है। अरे भैया जावा जावा टोलिया ग्रांडे जावा। इतनी अच्छी कॉफी थी कैपुचिनो, उसकी कोई सौतेली बहन इंट्रोड्यूस करवा दी फ्रैपुचिनो। आधी कॉफी आधा बर्फ का गोला। पहले कॉफी के दो घूंट मारो फिर बर्फ चबाते बैठो। सबसे बढ़िया कॉफी मिलती है शादियों पे, उस कॉफी ने ना जाने कितनों की जुबान जलाई है। ऐसा लगता है किसी ने दूध पे मिट्टी छिड़क दी हो। अरे कॉफी आउटलेट वाले इतने गरीब है बेंचो, अगर तुम 300 रुपए की कॉफी दे रहे हो तो 4 कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट नहीं दे सकते? गोबर के उपले जैसी इतनी बड़ी कुकी रखी हुई थी काउंटर के आगे और वो भी 80 रुपए की एक। इतने में पूरा मोहल्ला मैरीगोल्ड खा के बुड्ढा फील करने लगे। तो फिर मैकडॉनल्ड ले जा। छांसी नहीं है बेंचो, मैकडॉनल्ड वालों से एक्स्ट्रा केचप मांग लो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी सगी बहन का हाथ मांग लिया। एड में तो इतना बड़ा बर्गर दिखाते हैं, लेकिन जब वो सामने आता है तो उसको देख के लगता है हाय हाय कितनी बुरी जिंदगी चल रही है बेचारे की। एक टमाटर इधर लटक रहा है, आधी कटी हुई प्याज यूं लटक रही है जैसे टैटू लगा दांतों। ऐसे खाऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? ऊपर से इनके फ्रेंच फ्राइज ऐसे दिखते हैं जैसे आलू को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया हो। मूवी देखने चले जाओ और वहां वैसे भी अंधेरे में किस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तुझे क्या लगता है ये फैक्ट्स? मुझे नहीं पता। मैंने बोला उसको नन देखने चलते हैं, कहती मुझे डर लगता है। मैंने कहा स्त्री देखने चलते हैं, कहती नहीं मुझे डर लगता है। मैंने कहा यमला पगला दीवाना देखने चलते हैं, कहती मुझे डर लगता है। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे कानों में वायलिन बजने लगे, कहती डू यू माइंड इफ आई होल्ड योर हैंड्स इन द थिएटर? मैंने कहा व्हाई नॉट बेंचो, पर क्यों? कहती हॉरर मूवीज में मुझे साथ वाले का हाथ पकड़ने की आदत है और रोमांटिक मूवी में बेंचो। एक ही चीज सोचती है इसको, जिनके नसीब में होदा ही नहीं होती वो अफली प्यार की बातें करने लगते हैं। अच्छा सुन, डेटिंग का पहला रूल, नेवर टॉक अबाउट योर एक्स। आई नेवर हैड वन, रिमेंबर? ओह नो, वन साइडेड रहा है हमेशा बेंचो। पिछले 5 डेट पे सिर्फ रोती हुई लड़कियों को संभाल रहा हूँ, जिसको देखो अपनी एक्स की बात करने लगती है। इन हरामी लौंडों की वजह से हम ऐसे भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, इस वाली के साथ सही टाइम गुजरेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार किसी का कंधा बनने में, लेकिन बेंचो हमेशा मोनिश बैल बन के कैसे जीऊं? डेटिंग की अगली टिप, उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाइयो। अच्छा इनएक्ट करते हैं, मैं लड़की तू बेंचो, वी आर ऑन अ डेट, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। ये देखो मेरा डॉगी। अरे बदसूरत कुत्ता है। अबे चूतिया इतना रूड भी नहीं होना, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा। अच्छा ये देखो मेरा डॉगी, कितना क्यूट डॉगी है। ओह माय गॉड, अरे मैं भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। मेरे पापा जब मुझे खाना खिलाते थे तो मैं भी करके खाता था। इतना इंटरेस्ट भी मत दिखा कि तू उसके कुत्ते से ज्यादा बड़ा कुत्ता लगे, थोड़ा सटल रख। ठीक है, नेक्स्ट डेटिंग टिप बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो तुझसे बात कर रही होगी उसकी आंखों में देखियो। हाँ। और कहीं मत देखियो, मेक आई कॉन्टेक्ट। ठीक है ठीक है, इनएक्ट करते हैं, आई कॉन्टैक्ट। गुड 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 गुड। तो मैं ना उस दिन शादी में गई थी और वहां ना पंडित जी ने दुल्हन को बोला कि तुम हट जाओ, इसको मंडप पे बिठा दो। वो देखो चिड़िया। ये देख कैसे घूर रहा सीरियल किलर। अबे डरा देगा उसको। तूने तो बोला आंखों में देख। अबे प्यार से देख, शाहरुख खान को नहीं देखा क्या? वो आज भी किसी लड़की की आंखों में देखता है तो वो पागल हो जाती है। तो मैं ना उस दिन अपनी स्कूटी पे दुपट्टा बांध के जा रही थी, इतने बड़े बड़े गॉगल लगा रखे थे मैंने, तो पेट्रोल खत्म हो गया। फिर मैं पेट्रोल पंप पे गई,
बहुत चूतिया लग रहा है, घिन आ रही है, क्या कर रहा है ये तू? ऐसा लग रहा है लकुआ मार गया, सीधा सीधा नहीं देख सकता आंखों में। तुझे आई कॉन्टेक्ट के बारे में क्या पता, सस्ते साइक्लोप्स? कुछ मत कर, जैसा है वैसा रहे। नेक्स्ट टिप, हमेशा ऑनेस्ट रहना, लड़कियां झूठ पकड़ लेती है। ओके ओके, इनएक्ट करते हैं। तो आज क्यों मिलना था? नहीं मैं, जब तुम अच्छी लगी तो सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। गुड, नाइस नाइस। पीठ में दर्द हो रहा है? आजकल जिम कर रहा हूं ना तो थोड़ा बॉडी पेन। क्यों, कल क्या मारा था? मुठ, लेग डे, शोल्डर, बेंच प्रेस। इतना ऑनेस्ट मत हो भाई, तू सिंगल ही मरेगा। ये वाली टिप सबसे जरूरी है, डेट पे कभी फोन चेक मत करना, उसको इंपॉर्टेंट फील कराओ, फोन में डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। ये तो इजी है, मैं ना हमेशा गोवा जाना चाहती थी और वहां ना मैं बीच पे बैठना चाहती थी, मैं बुक्स पढ़ना चाहती थी, मैं डॉग्स के साथ खेलना चाहती थी। हाँ मेरा भी सेम सेम सेम, मैं वो पीना कोलाडा की छतरी से ना कान खुजाना चाहती थी। हाँ एक सेकंड, तू साइलेंट नहीं हो सकता बेंच? मुंह मिले मेरा, ये देख डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, ये नहीं करना था। पर बेंच बोल बेटा, ये ले मम्मी के लिए दवाई ले आया मैं। एक घंटे पहले गए थे आप? यार वो केमिस्ट की दुकान में था, हाथों के लिए ट्यूब ले रहा था, बहुत खुजली हो रही है। कब से? पता नहीं, लगता है पैसे आने वाले। अंकल अगर खुजाने से पैसे आते तो टट्टे सोने के होते। कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जाओ, हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। अगली टिप, पैसे तू देगा। मैं जो वो वाली लड़की नहीं है, मैं काफी टाइम से जानता हूँ। बिल पेमेंट, लड़की तुझे बोलेगी नहीं मैं दूंगी, लेकिन तुझे बोलेगा ना मैं दूंगी। पर डेट पे तो मैं जा रहा हूँ, तू अपने हाथ को ही वरमाला पहना दे, फीमेल मरेगा ये। इनएक्ट करते हैं। वेट अ बिल प्लीज। यस मैम, हियर यू गो, मैं देता हूँ। नो आई विल पे, नो आई विल पे, बट आई कैन पे डो, तुम कभी और दे देना, आज मैं देता हूँ। ओके, विल यू पे बाय कार्ड और कैश? कार्ड तो नहीं है, कैश फुट्टे नहीं है। अबे अज्यूम कर ना। नो वेट, आई विल पे। ठीक है, क्या ठीक है, ऐसे में बोलना चाहिए, वेटर कीप द चेंज। अब मैं 40 रुपए की टिप कौन देगा? इतने में मैं दो मसाला मैगी खा लूं। फिर तू टपरी वाली चाय पिलाने ले जा, 15 रुपए मैंने पट जाएगा। बेस्ट आइडिया है, वैसे भी टपरी वाले पे उधार चल ही रहा है मेरा, ये वाला भी लिखवा दूंगा। और पता है अगर उसकी टपरी पे लड़की लेके जाऊं तो वो सारे लौंडों को भाभी डिस्काउंट देता है। अगली टिप और शायद सबसे जरूरी टिप, सबसे पहले लड़की की बेस्ट फ्रेंड का दिल जीतो, उसको इम्प्रेस करो, उसको पटाओ, उसके दिल तक पहुंचो, उसके बर्थडे याद रखो, गिफ्ट भेजो। एक सेकंड, अगर वो पड़ गई तो? उसकी दोस्त से आशिकी लड़ाने को नहीं कह रहा हूँ, उसको इम्प्रेस करने को बोल रहा हूँ, ताकि वो उसके सामने तेरी तरफदारी करे। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मान ले कल को तेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है और वो तुझे ब्लॉक कर देती है, अनब्लॉक करवाने की चाबी किसके पास होगी? मेरा एक दोस्त ठाकर है, घुस जाएगा आईडी में ना। असली चाबी होती है बेस्ट फ्रेंड के पास। अच्छा, दोस्त को पटाना है? दोस्त को पटाना, हाँ दोस्त को पटाना है। साक्षी का फोन आ रहा है। हेलो, हाय पंचोदस। हाय, उठ गई तुम? मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था तब से, मुझे लगा सो रही हो अभी तक। हाँ, मैं सुबह उठ के सबसे पहले योगा करती हूँ। तुम क्या करते हो? मैं तो सबसे पहले उठ के अपना नुनू सेट करता हूँ। क्या? बिस्तर बिस्तर। अच्छा, डू यू माइंड इफ आई गेट अ फ्रेंड अलोंग? वो साथ में होगी ना तो घर वाले अलाउ कर देंगे। अरे बिल्कुल ना, ना, ना। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। कौन सी दोस्त है ये? थोड़ा कम इंटरेस्ट। कौन है ये? Who's he? अरे जिसकी प्रोफाइल फोटो भेजी थी। और कम। अरे वो बच्ची, वो पागल सी लड़की। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं नहीं, तुम उसको ले आओ, ले आओ, ले आओ, मुझे उसी को तो पटाना है, सबसे पहले उसी को पटाना है। क्या तो ये सब सोचते हो तुम? I thought you were a nice guy, पर तुम भी दूसरे लड़कों की तरह हो, bloody womanizer। womanizer क्या होता है? कैसेनोवा। कैसेनोवा मतलब? रंडीवाज। अरे नहीं, मैं वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो साक्षी, मैं वो नहीं। शिट शिट शिट, हेलो 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 हेलो। ये देख, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर किस्मत हाथों में होती तो लोग उस पे अपनी बुंड नहीं धोते। मतलब डायलॉग्स और स्क्रिप्ट इस बंदे पे एंड। जी अब्दुल बासित खान, आज आप बोलेंगे। दोस्त को पटाना है। दोस्त को मशवरे जो दिए ना उसने बड़े काम के दिए। वैसे लिटरली ऐसा होता है नहीं कि मतलब जैसे दोस्त अगर ज्यादा अच्छी हो और आपका बॉयफ्रेंड दोस्त से अच्छी से बातचीत हो तो वही आपका एग्री करती है, वही आपको समझाती है, है ना? पता होता है ना क्या सामने वाले को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ शक्कर जाता है कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड है।
हमें हम ये दोनों में हमारे बॉयफ्रेंड हम खुद समझ जाएंगे, हम खुद समझ जाएंगे, हमसे करो सारी बात, लड़ो झगड़ो मरो हमारे साथ कि दोस्त वोस्त वाला हमने पास यहाँ दोस्ती में चलती है जो होता है डायरेक्ट होता है यहाँ कुछ और है भैया यहाँ नहीं चलता है। अब ऐसे इनकी वीडियोस में तो बहुत मजा आता है, इनका नाम सुनते ही मतलब पता चल जाता है यहाँ कुछ होने वाला है, डायलॉग में हर डायलॉग के अंदर कुछ ना कुछ डायलॉग हर डायलॉग में, और देखते हुए दिल करता है ये चलती रहे वीडियो चलती रहे। इतने मजे से जिस तरीके से बनाते हैं इतनी मेहनत करके, मतलब आप ऐसे देखते हुए हम लोग नहीं वो चीज जहन में रहती है, मतलब यही एडिटिंग और सब बना रहे हैं, और ख्याल रखना पड़ता है कि अगर यहाँ देख रहे हैं तो दूसरे वाले का यहाँ पे वो मुंह करे उस साइड से, खैर हम तो देखने में इतना वो हो जाते हैं कि यार मतलब इतना मजा आ रहा है, हम ये चीज सोचते भी नहीं है, नहीं हम लोग ये चीज नहीं सोचते, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर सोचते वीडियो खत्म चल गई खत्म हो गई हमने मजा ले लिया, नहीं ये बात सोचते सही बात है। चलें बड़ा मजा आया, अब्दुल बासित को भी बड़ा मजा आया, इनको टिप्स भी मिल गई, आज तो अब्दुल बासित की फायदेमंद वीडियो हम लोगों ने रिएक्शन दिया। चले खैर मुझे और अब्दुल बासित खान को इजाजत दीजिए फिर इन्हें लड़की पटाने बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।